दोस्तों, अगर आप YouTube से ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से कमाते हैं, आप लोग जानते होंगे YouTube में ऑनलाइन पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं। जो सबसे एक मेजर सोर्स होता है, जिससे ज़्यादातर यूट्यूबर से इनकम होती है, होता है YouTube एड्स। एड्स का जो पैसा होता है वो गूगल एडसेंस के थ्रू मिलता है। इसके अलावा बहुत से लोग कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं अपने, तो कोर्सेज के थ्रू हमें यहाँ पर इनकम होती है। इसके अलावा अच्छी खासी इनकम जो होती है स्पॉन्सरशिप के थ्रू होती है। और भी कई सारे तरीके यूट्यूब पर हैं पैसे कमाने के। तो क्या आपको इस पैसे पर यानी आपकी अर्निंग पर टैक्स देना पड़ेगा? तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टैक्स यूट्यूबर्स पर अप्लीकेबल होते हैं, कैसे उनको आपको पे करना होगा, क्या पूरा प्रोसेस रहता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है और अब जो भी यूट्यूबर्स हैं इस तरीके से टैक्स वगैरह पे नहीं करते हैं, तो काफ़ी सारी पेनाल्टी वगैरह भी लग रही हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप YouTube से पैसे कमाते हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं भारत सरकार के अंडर में काम करता है इनकम टैक्स विभाग, और जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ही लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अगर आप इनकम टैक्स कब पे करना है आपको और कैसे पे करना है। देखिए, इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं। फिलहाल इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो कि 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं वो इस तरीके से हैं। अगर आप यहां पर 5 लाख तक की इनकम करते हैं, 5 लाख से कम करते हैं, ठीक है, तो 87A की एक रिबेट मिलती है, जिसके तहत आपका पूरा पैसा जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 2.5 लाख ही टैक्स फ्री है, लेकिन रिबेट मिलने के बाद आपकी इनकम 5 लाख तक अगर यूट्यूब से होती है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर फाइल करने की जो डेट है वो संभवतः जुलाई तक रहती है, हर साल बदलती रहती है, तो जुलाई से पहले अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। और इनकम टैक्स फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट भी आपको मिलते हैं, जैसे कि लोन वगैरह लेना है तो काफी आसान हो जाता है, वहां पर 3 साल के आईटीआर मांगे जाते हैं और आपका आराम से लोन जो है अप्रूव हो जाता है, ठीक है। अगर आप खुद से इनकम टैक्स फाइल करना चाहें तो इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल एबी टेक पर बनाया हुआ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को क्लिक करके आप समझ सकते हैं। तो जो भी आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग होती है, जो भी आपके स्पेंड्स वगैरह होते हैं या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं, उन सबको कैलकुलेट करते हुए जो भी आपका अमाउंट आता है उस पर आप टैक्स पे कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नज़दीकी जो है आपके CA, उनसे संपर्क आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर यह समझ लीजिए कि अगर आपकी अर्निंग 2.5 लाख से ज़्यादा हो रही है, चाहे किसी भी इनकम सोर्स से हो, एडसेंस से हो, स्पॉन्सरशिप से हो, तब भी जो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स पे करना कंपलसरी रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग यहाँ पर कोर्सेस वगैरह सेल करते हैं। जो लोग कोर्सेस वगैरह सेल करते हैं तो यहाँ पर उनका एक बिजनेस होता है। तो अगर आपका टर्नओवर पूरे साल का 20 लाख से कम है तो आपको किसी भी प्रकार से GST नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पूरा साल का जो टर्नओवर होता है 20 लाख से ऊपर जाता है तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा और GST के अनुसार जो है पैसा पे भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोर्स वगैरह नहीं सेल करते हैं, आपकी स्पॉन्सरशिप से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, 20 लाख आपका उसी में क्रॉस हो जाता है, तब उस केस में भी आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। और जिस भी इस कंपनी से आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो वहाँ पर GST अमाउंट भी आपको 18% की दर से ऐड करना पड़ेगा, और जो भी आपका GST का पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि यूट्यूब की अर्निंग पर जो टैक्सेस वगैरह पे नहीं करते। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो भी आपकी यूट्यूब पर अर्निंग होती है, चाहे गूगल एडसेंस के थ्रू हो या स्पॉन्सरशिप के थ्रू हो या कोर्सेस वगैरह सेल करके हो, सारा पैसा आपके पास ऑनलाइन आता है और हर जगह आपका पैन कार्ड वगैरह लगा रहता है। तो गवर्नमेंट के पास सारा जो डेटा होता है कि आपकी अर्निंग कहाँ से हो रही, कैसे हो रही है। तो दोस्तों देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अगर आप YouTube से ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि टैक्सेस को आप समय से पे करें, अदरवाइज आपके खिलाफ अगर गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी तो आपको जेल भी हो सकती है, साथ में बहुत सारी पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।